तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा के तहत अब हमारा जो दूसरा विषय है वो काफी संवेदनशील है। नोएडा दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण इलाका है, औद्योगिक शहर के तौर पर है, ऊंची ऊंची इमारतें नोएडा की पहचान है। उस नोएडा में दो गगनचुंबी टॉवर पिछले 10 साल से सुर्खियों का विषय बने हुए थे। सुपरटेक नाम की एक कंपनी है जिसके द्वारा सेक्टर 93A नोएडा में एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण किया गया था। वर्ष 2004 में नोएडा अथॉरिटी के द्वारा इस सोसाइटी के निर्माण का दायित्व सुपरटेक को मिला था। जो नक्शा पास हुआ था शुरुआत में उसके तहत 14 टावर की अनुमति दी गई थी। 14 टावर बनेंगे, ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर अर्थात जमीन के अलावा 9 मंजिला इमारत बनेंगी। 14 टावर बनेंगे, 14 टावर के माध्यम से लोग रहने के लिए आएंगे। बिल्डर ने बताया कि इसमें बहुत अच्छा पार्क भी होगा, बच्चों के खेलने की जगह भी होगी। कुल मिलाकर लोगों ने इस पर भरोसा किया, मकान खरीदने चालू किए, निर्माण कार्य शुरू हुआ। पर इसी के साथ खेल भी शुरू हुआ। पहले जो ये 14 टावर थे, इन 14 टावर की 9 मंजिला इमारतें 12 मंजिल में बदल दी गई। 14 टावर कब 16 टावर में तब्दील हो गए, फिर 17वां टावर भी जुड़ गया। जो इमारत मात्र 9 मंजिला होनी थी, बाद में जोड़े गए टावर की ऊंचाई 40 मंजिला कर दी गई, तकरीबन 120 मीटर। और बताया गया कि यह वो जमीन थी जहां पर पार्क बनना था। पार्क की जगह पर दो गगनचुंबी इमारतें तान दी गई। बताया गया तकरीबन 1200 करोड़ का खेल हुआ। लेकिन जैसा कि इस देश में हमेशा होता आया है कि लोग ऐसा कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, पैसे का जोड़ दिखाते हैं और कुल मिलाकर कहीं कुछ भी नहीं होता, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। उस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के रहवासियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उदयभान सिंह समेत 4 लोग इसके मुखिया बने, कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। 10 साल तक लड़ाई लड़कर वह यह साबित करने में कामयाब रहे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। बिल्डर ने कितने ही पैतरे अपनाए लेकिन कोर्ट ने महसूस किया कि पैसे का जोर इस बार नहीं चलेगा। नतीजा यह हुआ कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि वो टावर ढा दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक से मस नहीं हुआ, तमाम दलीलें बेअसर रही और नतीजा कुल मिलाकर यह हुआ कि कल रविवार को दोपहर 2:30 बजे 3700 किलो बारूद लगाकर उन दोनों टावर को जमींदोज कर दिया गया। टावर तो जमींदोज हो गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े टावर का निर्माण कैसे हुआ? जिनके संरक्षण में ये टावर बने उनका क्या हुआ? इसी पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटना इस देश के भविष्य को किस रूप में प्रभावित करेगी, अतीत को किस प्रकार से देखने के लिए बाध्य करेगी। इस पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ में राम कुमार तंवर जी, अध्यक्ष हैं नोएडा महानगर कांग्रेस के। हमारे साथ महंत मारतंड जी हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, और साथ ही विनोद शर्मा जी, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं राम कुमार तंवर जी से करना चाहता हूँ। राम कुमार तंवर जी से समझना चाहता हूँ, किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी घटना को तंवर साहब आप? देखिए, ये बहुत ही सोसाइटी के लोगों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही खुशी का दिन है कि एक ऐसी भ्रष्टाचार की दो टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ढाया गया, जिसके कारण वहां के निवासियों का रहना, मैं कह सकता हूँ कि दुश्वारी नहीं, बिल्कुल वो लोग घुटन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे जी। लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए हमें सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ना लेता तो जो नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्ट अधिकारी थे उनकी मंशा और उनकी सहायता, उनके सहयोग से ये जो भ्रष्टाचार की जो बिल्डिंग खड़ी हुई है उसमें कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी के वो अधिकारी लिप्त थे जो इसकी मलाई मांग थे, और वो आज उनका नाम कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। असलियत तो ये है कि ये जो बिल्डिंग ढाई गई है इसके पीछे वो अधिकारी कौन कौन थे जिनके आदेश पे ये बिल्डिंग बनी। अगर ये बिल्डिंग ने इसको गलत पाया तो जो बनाने वाले हैं जिनके आदेश से ये बिल्डिंग बनी तो वो भी तो गलत थे, उन पे क्या कार्रवाई हुई और उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, राम कुमार तंवर जी सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कल एक लिस्ट जारी की गई, उसमें 26 अधिकारियों के नाम है जिनके संदर्भ में सरकार ने कहा है कि ये लोग जिम्मेदार हैं। उनमें मोहिंदर सिंह, एस के द्विवेदी, ये दोनों लोग पहले CEO रहे हुए, उनके भी नाम है। इसके अलावा तमाम नाम है, आधे से ज्यादा नाम ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सवाल इस बात का है, मैं विनोद जी आपके पास आना चाहता हूं,
सरकार आज ये सूची जारी करके क्या साबित करना चाह रही है, ये सवाल है। 26 अधिकारी, तब से सुनवाई चल रही थी, समझ में आ रहा था कि भ्रष्टाचार हुआ, किसी सरकार ने, चाहे वो बसपा की सरकार थी, चाहे सपा की सरकार थी या भाजपा की सरकार थी, कोई कार्रवाई इनके संदर्भ में नहीं हुई। और आज भी जब ये टॉवर जमींदोज हो गए तो केवल सूची जारी की, क्या ये टॉवर जमींदोज होने से पहले इन अधिकारियों की जगह जेल में नहीं दिखनी चाहिए थी, ये सवाल है। क्या कहते हैं आप इस संदर्भ में? देखिए, 3 सितंबर 2021 को सतर्कता विभाग ने FIR दर्ज की थी और 3 सितंबर आने वाला है, यानी एक साल हो गया है जो FIR दर्ज, और FIR की अगर वो देखें, विवेचना देखें, तो उसमें बहुत सारी खामियां भी हैं। किस तरह की जांच की गई है, मेरा सवाल ये है कि जितने बड़े सीनियर IAS अधिकारी हैं और जितना ये गंभीर मामला है, क्या इसकी CBI जांच के आदेश नहीं दिए जाने चाहिए? क्योंकि मैं ये जानकारी आपको दे दूं कि 2004 में इसका प्लॉट का आवंटन हुआ था, और ये प्लॉट आवंटन उस दौर का है जब 2004 में एक आवासीय भूखंड घोटाला हुआ था, और उसमें जो जनता के लिए उस समय नोएडा प्राधिकरण प्लॉट की स्कीम लाती थी, और जब वो CBI उसकी घोटाला पकड़ लिया गया, ड्रा के बाद, ड्रा से पहले ही मैंने खुद स्टोरी उस समय और उजाला में की थी, तो जब ये स्टोरी आई कि भाई कल को इनके नाम निकलेंगे, उनमें कई सांसद थे, MP थे, पुलिस के DM थे उस समय, यहाँ के कप्तान थे, तो जब वो स्कैंडल खुला तो वो ड्रा को रद्द कर दिया गया। 2004 की बात बता रहा हूँ, उसी दौर का ये प्लाट आवंटन है, और उसके बाद प्राधिकरण ने अपनी नीति बदली और जो जनरल प्लाट की स्कीम थी बंद कर दी, और वो इस समय बिल्डर स्कीम पे ले आए। वो 2004 के बाद सिलसिला शुरू हुआ, 2007 के बाद से तो 100% ग्रुप हाउसिंग और बिल्डरों के लिए ही आवंटन शुरू हुआ। सवाल आज भी, मैं एक बहुत गंभीर सवाल इस समय कर रहा हूं कि पूरे नोएडा, ग्रेट नोएडा में अभी क्या हुआ है कि ऑक्शन पर प्रॉपर्टी देने का सिलसिला शुरू हुआ है। आम आदमी कहाँ खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, ये एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। जो ये घोटाला हुआ है वो इसलिए हुआ है कि 2004-05 तक 37.5 मीटर तक की हाइट की बिल्डिंगें हुआ करती थी, मतलब उससे ऊपर नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे FAR परचेजेबल का सिस्टम बना और FAR खरीदने लगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जब आप कोई भी बिल्डर है, अगर किसी आवंटी का फ्लैट बुक करता है, तो बुक करते समय जो उसका प्लान होता है, उस प्लान में ये बताया जाता है कि ये इस परिसर में कुल इतने फ्लैट होंगे, इतनी मंजिल के होंगे, इतने साइज के होंगे, और जब उसको ये पता चलता है कि इस बिल्डिंग का या इस परिसर में प्लान चेंज हो चुका है, अब 10 मंजिल की जगह 20 मंजिल की होंगी, तो वास्तव में ये गंभीर चिंता का विषय है कि ऐसा बदलाव क्यों, नीति ऐसी क्यों नहीं हो सकती है कि जब आप कोई भी स्कीम लाएं, जब आप किसी को स्कीम को बिल्डर पब्लिक के पास ले जा रहे हैं, उस समय तक जो बदलाव हुआ है उसके बाद कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद कोई बदलाव हो रहा है तो वो उस आवंटी के साथ या उस फ्लैट बायर्स के साथ धोखा है जिसने सबसे पहले बुकिंग किया है। क्योंकि मैं मनोज जी आपसे सीधे बात पूछता हूं, क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि ये जो ट्विन टावर को गिराया गया है, ये एक मजबूरी के तहत अंजाम दी गई कार्रवाई है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम दलीलों और कोशिशों के बावजूद भी माना नहीं, इसलिए ये टॉवर गिराने पड़े, पर सरकार की या अधिकारियों की मंशा में कोई बदलाव नहीं है, वो अपने इन कामों को आगे भी जारी रखना चाहते हैं, अपने उस मानसिकता में बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, और यही कारण है कि 26 अधिकारियों की तो सूची तो जारी कर दी पर आज तक उनके संदर्भ में कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं कि जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, रफ्तार वही होनी चाहिए थी कि जैसे 3 सितंबर 2021 को FIR दर्ज किया, सतर्कता विभाग को एक समय सीमा दी जानी चाहिए थी, इस समय सीमा में आपको जांच करनी है। और सबसे खास बात यह है कि जो सीनियर IAS हैं, कोई विदेश में बैठे हैं, मोहिंदर सिंह जी, कैप्टन द्विवेदी हैं, लेकिन इनको लेकर अभी कोई एक सतर्कता विभाग क्या जांच करेगी सीनियर IAS की जो रिटायर रहे हैं? इसमें तो उच्च स्तरीय एक SIT का गठन किया गया, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ। मेरा ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी समय सीमा तय करता कि इतने दिन में जांच करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है, तो शायद वो ज्यादा कारगर तरीका होता, तो वो ज्यादा बेहतर होता। विनोद शर्मा जी का कहना है कि केवल टॉवर गिराना पर्याप्त नहीं था, जिन लोगों ने ये टॉवर बनने दिया उनको गिराने के संदर्भ में भी तो सुप्रीम कोर्ट को कोई दखल देना चाहिए था। मेरे साथ में महंत मार्डन जी भी जुड़ने वाले थे। महंत जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
महेंद्र जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, तो मैं रामकुमार तंवर जी वापस आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में भाजपा भी ये बताती है, स्वयं मुख्यमंत्री भी बताते हैं कि वह जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, पर इस मसले पर अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी हुई है क्या जिससे आपका भरोसा आता हो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वाकई लड़ाई हो रही है? नहीं, ये तो मैं इसको सिर्फ मैं ही क्या, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि योगी सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है उससे कहीं भी, नोएडा में अगर आप नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा के अंदर जितने घोटाले अगर आप देखें तो इससे आज तक आप बता दीजिए कि योगी जी को दूसरा टेन्योर चल रहा है, एक भी अधिकारी के ऊपर अगर कोई भी कार्रवाई अगर हुई हो, ट्विन टावर की अगर ये हम ट्विन टावर की हम बात करें, ट्विन टावर में जो इतने बड़े बड़े अधिकारी रहे और आईएएस लेवल के अधिकारी रहे, क्या इनके द्वारा किसी पे भी ऐसी ठोस कार्रवाई हुई कि जिससे ये महसूस हो कि योगी जी की सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है? कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। अभी आप देखिएगा कि जितने अधिकारी नोएडा अथॉरिटी में आज भी कार्यरत हैं, अगर इनके अगर आप जांच करा दें तो मैं कहता हूं कि इतने बड़े बड़े घोटाले यहां भी निकलेंगे, ये समय आने पर आपको पता लगेगा। शर्मा जी ने अभी सही बात बताई कि जो यहां के अधिकारी जो अब सेवा हो गए हैं और वो विदेश में अगर चले गए तो उन पर क्या जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या संज्ञान लिया है? जिस तरह से मनिंदर जी हो या और तमाम अधिकारी नोएडा अथॉरिटी के रहे हो, योगी सरकार ने उनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई अगर अभी तक कोई की है? मुझे तो लगता नहीं कि कोई सख्त ऐसी कोई कार्रवाई की है। आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों इतना बड़ा ठोस कदम उठाना पड़ा? योगी सरकार जहां अपनी पीठ थपथपाती है, योगी सरकार के द्वारा क्यों नहीं ये ऐसी कार्रवाई की गई? योगी सरकार के द्वारा क्यों नहीं कार्रवाई की गई रामकुमार तंवर जी? लेकिन मेरा सवाल एक और है कि क्या इस घटना के बाद ऐसी अनियमितता करने वाले बिल्डरों का हौसला टूटेगा? क्या नोएडा के सदर में आपको लगता है कि अब माहौल शायद बदले, लोग इतनी हिम्मत ना करें, या आपको लगता है कि इतनी लंबी लड़ाई और कौन लड़ सकता है? 2006 से शुरू हुई लड़ाई 2005 में पहुंची है, क्या देख रहे हैं आने वाले समय को? आपको एक बात और ध्यान देने लायक एक बात, एक और इस पे और चर्चा करनी चाहिए, क्या केवल बिल्डर ही इसमें दोषी है? आपने बिल्डर जिसने इतना करोड़ों रुपए खर्च करा के ये बिल्डिंग बनाई, क्या सिर्फ वही दोषी है या वो भी दोषी है जो बिल्डर से इस बिल्डिंग को बनाने के एवज में जिन्होंने मोटी रिश्वत खाई है, क्या वो दोषी नहीं है? जिन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए, अपनी कलम का गलत इस्तेमाल करते हुए इस ट्विन टावर को बनने दिया, क्या वो लोग दोषी नहीं है? हमें कम से कम वो लोग दोषी नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रामकुमार तंवर जी के द्वारा उठाया जा रहा है। मेरे साथ में महंत मार्तंड पशुपति जी जुड़ चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार इतने महत्वपूर्ण मसले पर इतनी कमजोर क्यों दिख रही है? पशुपति जी, ये जानने में दिलचस्पी है। ट्विन टावर बमुश्किल ढहाया गया, पर जिनके संरक्षण में, जिनकी छत्रछाया में, जिनकी घुसखोरी के चलते ऐसी अनियमितता आकाश को स्पर्श करने तक पहुंची, 40 मंजिला इमारत तान दी गई, एक अधिकारी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की सरकार ने, क्या मजबूरी, क्या लाचारी? इससे बड़ी कार्रवाई तो कोई हो ही नहीं सकती। अगर देखा जाए तो इससे बड़ी कार्रवाई हो नहीं सकती कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। सेकंड बात जो आप कह रहे कि जिन अफसरों के खिलाफ, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बहुत जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि किसी को बख्शा जाएगा। और पहली बात मैं ये कहूंगा कि उस मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब इस टावर का निर्माण शुरू हुआ तो उसमें कौन सी सरकार थी? सबसे पहले तो उस सरकार को ब्लेम आना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? सबसे पहले तो सरकार को ब्लेम आना चाहिए। देखिए, योगी सरकार कह लीजिए या मोदी जी की सरकार कह लीजिए, उसने ढूंढ के तो निकाला ना कम से कम इसको कि ये गलत बनी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये बननी शुरू हुई थी तब उस सरकार को पता नहीं था क्या कि गलत बनी है? पशुपति जी, माफी के साथ आपसे हस्तक्षेप करना चाहूंगा, इसमें आपकी बिल्कुल भी मेहरबानी अर्थात आपकी पार्टी आपकी सरकार की नहीं है। वहां के निवासियों ने,
मसले को लेकर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक एड़ियां रगड़ी। पहले 500-500 रुपए चंदा किया, फिर 3-3 हजार रुपए सारे लोगों ने मिलकर चंदा किया, आखिरी में 17-17 हजार रुपए उन्होंने चंदा किया, तब जाकर इस अंजाम तक पहुंचे। सरकार तो अपनी तरफ से दलीलें यही देती रही, अब बन गई है, नियमितीकरण हो जाए, बनी रह जाए, सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। मेरा सवाल वापस आपसे यह है, बिल्डिंग गिर गई आपके आदेश से नहीं, आपकी सरकार के आदेश से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, पर जिनके संरक्षण में यह बिल्डिंग बनी थी, आपकी सरकार देश में नजीर पैदा क्यों नहीं कर रही, नजीर कायम क्यों नहीं कर रही कि जिन्होंने ऐसे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया वो सलाखों के पीछे दिखाई दें। इसके संदर्भ में क्या लाचारी या मजबूरी है पशुपति जी, इसे बूझने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ समझ पा रहे हैं किससे डर रही है सरकार? हिमांशु भाई, हमारी सरकार कहीं किसी से नहीं डर रही है। हमारी सरकार सिर्फ एक चीज पे चल रही है कि हम भ्रष्टाचार को, गुंडई को नहीं होने देंगे। और ये सबक ऐसा मिला है, और मैं आपने जो एक बात कही कि जिसमें कि जी हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जो जनता है जिन्होंने सहयोग करा, अगर यही सहयोग हमेशा चलता रहे तो देश में ना गुंडागर्दी रहेगी, ना भ्रष्टाचारी रहेगी। और मैं उन भाइयों का सबका दिल से, हृदय से सम्मान करता हूं कि जिन्होंने इसको उस कोर्ट तक पहुंचाया। लेकिन मैं आपको इसी जरूर कहूंगा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि उन आदमियों पे कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कतई ना सोचें। मैं भी उनके साथ हूँ, और ये बहुत अच्छा सबक है। जैसे कि अभी आपने भी सुना होगा, झारखंड की एक बच्ची के साथ वो हुआ है, दिलाया गया है, तो ये इसी प्रकार से जैसे उसको भी इसी टाइप की सजा देनी चाहिए तुरंत, जिससे कि ऐसा कभी ना हो। जैसे आज बिल्डरों को सबक मिल गया होगा, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के बिल्डरों को, कि गलत करोगे तो ये अंजाम आएगा। ऐसी मैं चाहता हूँ कि उस बेटी के साथ जिसने गलत किया उसको भी पता, ऐसे लोगों को भी पता होना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं आप जो है झारखंड पे बात करने जाते हैं, हम उत्तर प्रदेश पे बात कर रहे हैं। आपने कहा बिल्डर को सबक मिल गया, बिल्डर ने तो घूस खिलाकर काम को अंजाम दिया था, पर जिन्होंने घूस खाई थी, जिन्होंने रिश्वत ली थी, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी हैं, वो बता रहे हैं एक साल पहले FIR हुई सतर्कता विभाग के द्वारा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस इंतजार में हैं आप लोग? हिमांशु भाई, 100% मैं आपसे वादा करता हूँ कि कार्रवाई होगी। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, हो सकता है महंत जी हमें बार बार आश्वस्त कर रहे हैं कार्रवाई होगी, भरोसा रखिए। एक महंत योगी आदित्यनाथ वहां लखनऊ में मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हैं, एक महंत मारतंड जी हमारे साथ कार्यक्रम में बैठे हैं, भरोसा दोनों ही दे रहे हैं। मुझे जाना है आखिरी बातचीत के लिए विनोद शर्मा जी के पास, लेकिन उससे पहले रामकुमार तंवर जी के पास आना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं। महंत मारतंड पशुपति जी आश्वस्त कर रहे हैं, भरोसा रखिए। तो राम कुमार जी, आप तो नोएडा महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, भरोसा कर पा रहे हैं महंत जी की बात पर या आपको भरोसा नहीं आ रहा? भरोसा करिए, जैसे हाथरस की बेटी को न्याय दिलाया इस पाखंडी सरकार ने, ऐसी मिलेगा न्याय। जैसा जी लखीमपुर खीरी में किसानों के हत्यारों को न्याय दिलाया, तैनी आज भी इनके यहाँ केंद्रीय मंत्री है ना, तो जैसे न्याय दिला रहे हैं ना, जनता देख रही है कि ये कैसा न्याय दिला रहे हैं, है ना। एक महिला के साथ कितनी बदतमीजी होती है नोएडा के, नोएडा जैसे शहर में, है ना, और उसको फिर ये कैसे राजनीति, वोटों की राजनीति के जरिए इनके सांसद खुद कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ कि ये ऐसा हमारी सरकार है, तो ये आश्वासन क्या देंगे मार्कंडेय जी? मैं इनका सम्मान करता हूँ इस कहने के लिए, संत है, योगी भी संत है, लेकिन ये राजनीति ना करके ये भगवान का भजन करे तो ज्यादा अच्छा होगा। योगी और मार्कंडेय जी तो, जैसे संतों ने तो रामकुमार तंवर जी को भरोसा नहीं आ रहा महंत जी की बात पे, महंत जी को लग रहा है ये गलत बात है, उनकी बात पे भरोसा नहीं कर रहे जी। महंत जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं तंवर भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, आदरणीय योगी जी कहिए, योगी है जी, वो एक संत है, महात्मा है, प्लीज हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आप लोग हमें रिस्पेक्ट देते ये। आपको रिस्पेक्ट तो पूरा दे रहे हैं महंत जी, मैं तो बोल दिया, एक लखनऊ में है, एक नोएडा में, दो दो महंत हमारे पास में है। आपसे केवल इतना जानना चाहा, जिन्होंने ये घूसखोरी के काम को अंजाम दिया,
जिनके संरक्षण में आकाश तक पहुंचा हुआ भ्रष्टाचार देश को दिखाई दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे, कैसे करेंगे? हिमांशु भाई आज आप हमारी बात सुन लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरी, पक्षक कोई नहीं जाएगा, आप भी यही है, हो सकता है अगली डिबेट में जब हम बैठे तो इसी बात पे चर्चा करें कि कितने तो बड़ी। महेंद्र जी कह रहे हैं भरोसा रखिए बख्शा नहीं जाएगा। विनोद शर्मा जी जो इस मुहिम को लगातार देखते हुए आए हैं बतौर पत्रकार, महेंद्र जी की बात पे एतबार करेंगे या राम कुमार तंवर जी की शंका पर एतबार करेंगे? विनोद जी ये जानने में दिलचस्पी है, दोनों ही प्रखर प्रवक्ता हमारे साथ में है, किस पर एतबार करने का मन कर रहा है विनोद जी, अनुभव के आधार पर आपका? देखो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार को मानना पड़ेगा, वो सरकार की मजबूरी भी हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही ये सारी कार्रवाई हो रही है और 26 की सूची सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट जिस दिन रिपोर्ट मांग लेगा कि क्या एक्शन हुआ, उस दिन शायद सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं एक बहुत गंभीर बात बता रहा हूं कि नोएडा शहर में, ग्रेटर नोएडा में जो भी बिल्डर को प्लॉट दिए जा रहे हैं उनमें 2010-11 के बाद बिल्डर बायर एग्रीमेंट को एक सहमति मान ली गई बायर की। जो ये टावर टूटे हैं इसके दो ही आधार थे, एक आधार ये था कि दो टावरों के बीच में 9 मीटर की दूरी है जो कि कम है जितनी हाइट है उसके हिसाब से, और एक आधार ये था कि जनता से आपत्ति नहीं मांगी गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि नोएडा ग्रेट नोएडा में ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट हैं जिनमें जनता से आपत्ति नहीं मांगी गई और उनके प्लान चेंज कर दिए गए। मैं एक और बड़ी रोचक जानकारी आपको दे दूं कि नोएडा प्राधिकरण के बिल्डर बायलाज में एक पॉइंट है 33.2.3, उस पर लिखा हुआ था कि दो पास पास भवन समूहों के बीच की दूरी उच्चतम भवन की ऊंचाई के आधे से कम ना हो, ये प्रावधान था, लेकिन इस प्रावधान का कभी पालन नहीं किया गया। और जो तीन एक्ट हैं, एक यूपी रेरा एक्ट है, एक यूपी अपार्टमेंट एक्ट है और नोएडा बिल्डिंग बायलाज है, जहां तक जनता की सहमति का है, जितने उस परिसर में आवंटी हैं उनमें से कोई एक्ट कहता है कि 60% से सहमत ली जाए, कोई कहता 75% से ली जाए, कोई कहता 100% से ली जाए, तो यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए ना, अधिकारी अपनी तो नीति में स्पष्टता होनी चाहिए। विनोद जी कह रहे हैं जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई वो ये है कि ये जो दो टॉवर बने हुए थे 120 मीटर ऊंचाई इन टॉवर की थी पर उनके बीच में दूरी मात्र 9 मीटर की बिल्डर ने रख छोड़ी थी। कायदे अनुसार न्यूनतम इनके बीच में दूरी कम से कम 60 मीटर की होना जरूरी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो जानकारी की हमने पहले ही साझा की, वो पार्क की जमीन थी, उस पार्क की जमीन पर टॉवर तान दिए गए थे। महत्वपूर्ण बात ये तो है कि ऐसे अवैध निर्माण को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत ढा दिया गया, पर उससे भी जरूरी बात है वो ये कि जिनके संरक्षण में जिनके अंजाम दिया गया उनको भी ऐसे ही जमींदोजा करने की जरूरत है। अगर उन अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर ठोस कार्रवाई होगी जिन्होंने ऐसे अवैध कार्य में संलिप्त रखी, तो भविष्य में शायद अधिकारी कर्मचारी ऐसे कार्यों में सहभागी बनने से बचेंगे। शायद उनमें एक भय पैदा होगा कि आज कुछ पैसों के लिए हम इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, यह कार्य हमें जेल की सलाखों के पीछे ले जा सकता है। अगर ऐसी नजीर कायम हो पाएगी तो शायद इन टॉवर का ढहना ईमानदारी की नई इमारत देश में खड़ी कर पाएगा। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी नजीर पेश करेगी, इसके लिए हम इंतजार करेंगे। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस संदर्भ में कहता है कि होगा हर एक फैसला उसके ही हक में, होगा हर एक फैसला उसके ही हक में, मुंसिफ की जेब गर्म करेगा जो दाम से। ख्वाब अकबराबादी ने जो ये बात कही थी वो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर बड़ी मुफीद बैठती है, लेकिन कम से कम देश की सर्वोच्च अदालत ने यह एहसास देश को कराया है कि अभी भी वहां संवेदना और तथ्यों का महत्व है, पैसे का नहीं। नोएडा के इन दो ट्विन टावर का गिरना अपने आप में देश में ईमानदारी के बचे रहने की मिसाल है, पर यह ईमानदारी सब तरफ दिखे इस ख्वाहिश के साथ अब मुझे दी याद। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सर्वनाम।